संजय यादव जी और डॉक्टर हमारे अभिभावक MLC रामचंद्र पूर्वे जी, श्री कृष्णनाथ पाठक जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र जी, फैजान अहमद साहब सांसद महोदय, भारत भूषण मंडल जी विधायक जी, मेराज जी आलम जी पूर्व उपाध्यक्ष, राम बहादुर जी, शीतल जी, फूलन हसन जी, राजकुमार यादव जी, उमेश यादव जी, देव नारायण यादव जी, नारायण महतो जी, प्रशांत कुमार मंडल जी, ताम्रे यादव जी, वीर बहादुर याय जी, संजय यादव जी, बलराम शाह जी, राम सुंदर जी, अशोक जी, CPI के नेता हैं यहाँ पे, अंजम जी, बहादुर शास्त्री जी, दिनेश बिंद जी, विश्वनाथ जी, अजीत बिंद जी, BK शरण जी, अशोक जी, तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित है। सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन अपल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों समय नहीं है और बस आप लोगों को विशेष यही बताना चाहूंगा कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी है, इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, 6 नंबर क्रमांक पे है, 7 तारीख को वोटिंग होना है। आप मजबूती से इनको जिताइए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। आप लोग सब मानते होंगे कि एक अच्छा उम्मीदवार हमने आपके क्षेत्र में दिया है, अब मजबूती से आप इनको जिताइएगा, 5 साल आपके क्षेत्र का विकास करेगा, हम लोगों को इंडिया गठबंधन को भी हाथ को मजबूती मिलेगा। और आप जानते ही हैं कि हम लोग किस विचारधारा के लोग हैं, हम लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के लोग हैं, हम जमीन पे बैठने वाले लोगों को कुर्सी पे बैठाने वाले लोग हैं, हम लोग गरीब पिछड़ा दलित हर जाति समुदाय को न्याय दिलाने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के बताए हुए रास्ते पे जाना चाहते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विरासत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग वो है। इसलिए साथियों देश में आप समझ ही रहे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा क्या बोले मोदी जी के बारे में, अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोल के कुछ मतलब तो है नहीं, और हमारे नेता यहाँ पे बोलेंगे तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि मजबूती से आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए और आप क्षेत्र को विकास कराइए। प्रजेंट में जो विधायक सांसद महोदय हैं उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जब लोगों ने पत्रकार ने कहा कि साहब 5 साल में आप हमारे गांव में नजर नहीं आए, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, तो सांसद महोदय जी का जो बात था उनका जवाब क्या था मालूम है? उन्होंने कहा जब हम आपके गांव जब जाते हैं तो आप गांव में रहते नहीं हैं, आप चले जाते हैं भैंस चराने के लिए, तो हम क्या करेंगे? आप बताइए झंझारपुर में इतने बड़े आबादी है, आप सांसद महोदय जी जाएंगे तो कोई मिलेंगे नहीं, वो नहीं गए अपने झूठ को छुपाने के लिए, उन्होंने कहा कि आप लोग भैंस चराने के लिए चले गए। तो ये सारे चीजें हैं, हम लोग संविधान के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम जितने भी यहाँ पे हमारे महागठबंधन के नेतागण है, जनता है, आप सभी से अपील है कि मजबूती से लेडीज पर्स पर बटन दबाकर इसको विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता कर रहे तनवीर यादव जी, हमारे बड़े भाई VIP पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, पूर्व मंत्री सुमन, उम्मीदवार जो प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी, सांसद डॉक्टर फयाज अहमद जी, पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, कृपया नाथ पाठक, समीर कुमार महासेठ जी, भरत भूषण मंडल जी, वीर बहादुर राय जी, विराज आलम जी, संजय यादव जी, राम बहादुर जी, राम दुलार जी, राम कुमार जी, अंसार अहमद जी, फूल हसन हंसारी जी, शैलेंद्र यादव जी, श्री नारायण महतो जी, प्रशांत मंडल जी, दयानंद यादव जी, देव नारायण यादव जी, बीना देवी जी, महेश महतो जी और सभी हमारे पार्टी के नेता अधिकारी
कार्यकर्तागण और फूल परास से आए हुए सभी हमारे मतदाता साथी, जितने हमारे अभिभावक बुजुर्ग नौजवानों का हम आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत देर से आप लोग इंतजार करते हैं। आप जान रहे हैं हमारा एक हेलीकॉप्टर और भाजपा जदयू का कम से कम 10-15 हेलीकॉप्टर हो गए, लेकिन ये एक हेलीकॉप्टर जो है सबसे भारी है। हमने अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। हम लोग ब्लॉक वाइज, हर प्रखंड वाइज आपके बीच आ रहे, आपसे अपील करने आए और आज फूल परास में हम लोग आए हैं सुमन जी के लिए वोट मांगने। सुमन जी को एक एक वोट देकर के इनको पार्लियामेंट भेजिए और अपने देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करो। पार्लियामेंट जो हमारा गंगा जमुना तहजीब, जो भाईचारा है, उसको हम लोगों को बचाने की जरूरत है। ये चुनाव देश को बचाना और देश को बनाने का चुनाव है, इसलिए सभी वर्ग के लोग, सभी जात भाई, सभी धर्म के लोगों से यही अपील है। भाजपा के लोगों का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी प्रकार से देश के संविधान को खत्म किया जाए और तानाशाही पूरे देश में जो है लागू किया जाए। मुकेश सहनी जी पहले एनडीए में थे, मंत्री थे, 4 उनके विधायक थे, भाजपा ने खरीदी, उन्हीं के साथ रहते थे लेकिन भाजपा ने खरीदी। इनके तो विधायक को पड़ता हमारे चाचा को ही हाईटेक, हमारे तो सीएम को ही लेके चले गए। भाजपा के लोग जहां भी चुनी हुई सरकारें हैं उसको केवल गिराने में लगे। वो चाहते हैं कि देश में हर जगह जो है कब्जा कर लिया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या वादा किया था आपको भाइयों बहनों? क्या वादा किया था? 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे और क्या बोला था, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर मार करेंगे। 2019 आते आते वो भूल के पुराना वादा, नोटबंदी हो गया। नोटबंदी में फायदा किसको हुआ ने भाई? तो भाजपा का फायदा, सारा देश भर का जिला में जमीन लेकर के पार्टी ऑफिस है कि नहीं? ये असलियत है। और क्या बोला थे कि काला धन